चलो कैन वी स्टार्ट, मुझे भूख लग रही है। रागी अपने शब्दों में सबसे पहले विस्तार में आप सारी चीजें जो हुई हैं, क्योंकि बहुत बहुत सारा कंफ्यूजन है अभी पूछते जाओ ना। हाँ बहुत सारा कंफ्यूजन है लोगों को, तो अपने शब्दों में अगर थोड़ा सा पहले बताना शुरू करें आप, क्योंकि आपको सारी पुलिस ढूंढ रही थी और मीडिया ढूंढ रही थी, अब जाके आप मिली है। मैं सबको ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे पुलिस क्यों ढूंढ रही है, मीडिया क्यों ढूंढ रही है, मैं कहाँ गायब हुई थी। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, हिंदुस्तान में ही हूँ, मुंबई में हूँ, शूटिंग कर रही हूँ। मुझे कोई क्यों ढूंढ रहा है, कोई क्या मुझे बताएगा, कोई क्यों ढूंढ रहा है, और मैं गायब कब हुई थी। जिस तरह से मतलब ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन जिस तरह से जो जो सिलसिलेवार चीज़ें हुई उसमें ये था कि आपके खिलाफ एक केस दर्ज कराया गया, उसके बाद जो लुधियाना के जो कोर्ट है उसने आपके खिलाफ वारंट जारी किया, जिसके लिए आपको 9 मार्च को पहले वहाँ पे उपस्थित होना था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, 2016 में मैंने बाइट दिया था एक साल पहले, और 2017 में वारंट निकल रहा है जिस बात के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं चलिए मान ली बात, लेकिन अभी हम लोग प्रेजेंट की बात करते हैं कि चलो उन्होंने दिया वारंट, तो पहले तो वो चाहते थे कि आप वहाँ पे आके हाजिरी दें, तो आप नहीं आई, तो फिर उन्होंने पुलिस यहाँ मुंबई। अरे लेकिन मुझे कोई सपना आया है कि मुझे कि मेरे पे कोई केस हुआ है लुधियाना में, या कोई ना मुझे कोई पुलिस आके मिली है, ना मुझे कोई वारंट दिया है, ना मुझे कोई समन मिला है, ना कोई लेटर दिया है, ना कोई पुलिस आके मुझे मिली है। मुझे कोई सपना आया है, डायरेक्ट वारंट निकल जाता है, टीवी पे मुझे पता चलता है कि मैं अरेस्ट हो गई हूँ, मुझे मालूम नहीं है। आपने सरेंडर किया है अभी? मैं पुलिस स्टेशन में मेरे जब एक ये लॉ है कि आपको अगर शक होता है कि आपके ऊपर कोई केस है तो आपको करीबी पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस से बात करनी होती है, तो मैंने पुलिस में जाके खुद को सरेंडर किया कि मैंने कहा ओशीवारे पुलिस और मैं और बांगुर नगर में कि भाई अगर मेरे ऊपर कोई केस है तो सर मैं सरेंडर करना चाहती हूँ, मुझे पुलिस का कोई लेटर नहीं मिला है और ना ही पुलिस ने मुझे कोई कॉन्टैक्ट किया है, ना मेरे घर पुलिस आई है। तो उन्होंने कहा है पुलिस वालों ने कि भाई उनके पास भी कोई वारंट नहीं है, उनके पास भी कोई शिकायत नहीं मेरे खिलाफ, और सडनली मुझे पता चल रहा है कि मैं जेल जा रही हूँ, मैं जेल जा रही हूँ। मेरी मॉम है, मेरी मॉम को हार्ट अटैक आ गया है, मेरे भाई बहन के बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लाइफ पे इफेक्ट हो रहा है, मेरे करियर पे इफेक्ट हो रहा है। मुझे सताया जा रहा है, एक अकेली लड़की को सताया जा रहा है, कुछ दल मिलके वाल्मीकि समाज के लोगों को, हालांकि मैंने किसी को कुछ बोला नहीं, किसी को हट नहीं किया, किसी की आस्था को हट नहीं किया, कुछ वकील लोग एक झुंड होके कुछ लोग जो है मुझे सताया जा रहा है, जानबूझ के मुझे लुधियाना बुलाया जा रहा है, जानबूझ के कोर्ट में घसीटा जा रहा है बगैर किसी कसूर के, मेरा कोई कसूर भी नहीं है। मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि मेरे मुझे बिल्कुल भी मुझे कुछ पता ही नहीं है कि मेरे खिलाफ कोई केस है, ऑफिशियली कोई लेटर भी नहीं है मेरे पास, मुझे कुछ पता ही नहीं है। मेरे घर में पुलिस भी नहीं आई, ना मेरे घर में कोई पर्चा मिला है, ना कोई लेटर है। कहते हैं कि पुलिस मुंबई में आई है तो मुझे ढूंढ के निकालती, करीब पुलिस स्टेशन जाती, दोनों पुलिस स्टेशन में मेरे एड्रेस है पुलिस वालों के पास। आप बताइए, उनका कहना है कि आप नहीं मिली तो फिर पुलिस लौट रही है, और वहाँ की पुलिस का जो, अरे मैं नहीं मिली समझो, अगर मैं घर में नहीं मिली तो मेरे घर में लड़का काम करता है, ड्राइवर है, कुछ है, कुछ एक लेटर तो छोड़ के जाना चाहिए था कि आपका वो आपका केस है, आपका समन है, कुछ तो एक लेटर छोड़ के इंसान को जाना चाहिए ना। लेकिन पर उनकी भी जैसे उन्होंने कहा है मीडिया से कि भाई पहले सुन लीजिए, उन्होंने जो स्पोक्स पर्सन है लुधियाना पुलिस की, उन्होंने ये कहा कि पुलिस गई थी और फिर वो लौट आई, आप नहीं मिली, ऐसा उनका कहना है, और आपको 10 तारीख को वापस से उन्होंने पेश होने के लिए कहा है, तो क्या आप जाएंगी और क्या आप उनके उनको कुछ जवाब देना चाहेंगे अपने अभी? देखिए मैं लुधियाना गई थी, किसी को पता नहीं है, मैंने किसी को बताया नहीं है, क्योंकि मैं कोई नहीं चाहती कि न्यूज़ चैनलों में आऊँ। केस किसके लाइफ में नहीं होता, एक नॉर्मल इंसान हो या बड़ा मंत्री हो, हमारा लो ऐसा कि पू पा करे तो भी केस हो जाता है, यहाँ पे तो छींक लूँ, मुझे तो लग रहा है मैं छींक लूँगी तो भी केस हो जाएगा, क्यों? तो ये एक प्रोसेस है, अगर कोई है तो वकील, अगर मुझे पता चले कि मेरा मुझ पर अगर कोई केस हुआ है तो मैं एक वकील खड़ा कर देती। सरकार से या मोदी जी से कुछ कहना?
मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझे जहाँ जाती हूँ मुझे सब यही बोलते हैं कि आप जेल क्यों नहीं गई, जेल क्यों नहीं गई, आप तो जेल में थी। मैं जेल क्यों जाऊँ? मैं मोदी सरकार से गुहार लगाना चाहती हूँ, मोदी जी को कहना चाहती हूँ कि आपकी नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। आप सरकार में हैं और कुछ लोग ऐसा फ़ायदा उठा रहे हमारा, तो मैं मोदी जी से, अमित शाह जी से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं तकलीफ़ में हूँ, मुझे कोई सताया जा रहा है, प्लीज़ आप इस पर ध्यान दीजिए। प्लीज़, मैंने हमेशा बीजेपी को सपोर्ट किया है, वैसे मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ बट मैंने बीजेपी को सपोर्ट किया है, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें। राखी, ऐसा क्या होता था हमेशा जब भी कोई खबर आती थी राखी मीडिया में सबसे पहले आती थी और अपना पक्ष रखती थी, लेकिन इस बार राखी मीडिया से कटती नजर आ रही थी, अपना पक्ष नहीं रख रही थी, अगर लुधियाना जा रही थी तो अकेले जा रही थी, वो भी किसी को बता नहीं रही थी। मैं इसीलिए मीडिया के सामने नहीं आ रही थी क्योंकि जब मैं अच्छे नेक काम करती हूँ, सड़कें बनवाती हूँ तो मीडिया दिखाती नहीं है। मैं ड्रेने बारिश होती थी, ड्रेने भर जाती, मैं जाके बंद करवाती हूँ, मंत्री आसपास के MLO को पकड़ के वो करवाती हूँ, तो मीडिया क्यों नहीं दिखाती? रेप पीड़ित लड़कियों को अस्पताल में दाखिल करती हूँ, पुलिस स्टेशन लेकर जाती हूँ, तो अच्छे काम तो मेरे दिखाती नहीं है? मैं जेल जा रही तो दिखा रही है मेरे अच्छे काम, मेरे नेक काम में जो करती हूँ। कितनी लड़कियों पे एसिड फेंका जाता है वो मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ। आरे कॉलोनी में एक बच्चे को शेर पकड़ कर लेकर गया था, उनके साथ मैं गई हूँ, वहाँ पे उनके केस हैंडल कर रही हूँ, वहाँ पे तो कोई दिखाता नहीं है। जराखी जेल जा रही है तो पहले दिखा रहे, बट मुझे मीडिया से कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं मीडिया के सामने नहीं आना चाहती, बस नहीं आना चाहती, मेरे अच्छे कामों को लेकर मैं आना चाहती हूँ बस। 10 तारीख को आप जाएंगी, जैसा कि कहा जा रहा है। देखिए, मैं कोई गिल्टी नहीं हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, भगवान वाल्मीकि की स्टोरी बच्चे बच्चे को पता है, और मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रही थी, एक एग्जाम्पल दे रही थी अपने बेस्ट फ्रेंड मिका को बचाने के लिए, उनको बचाने गई और मैं फंस गई। मैंने एक उदाहरण दिया था क्योंकि मुझे मीडिया ने सवाल किया था, वो तो आपके दुश्मन हैं, आप उन्हें क्यों सपोर्ट कर रही है? तो मैंने कहा वो पहले थे, अब नहीं है। उन्होंने मेरे साथ जो हरकत करी थी वो गलत थी, वो पहले बुरे थे, अभी वो अच्छे हैं। तो उस वक्त मुझे वाल्मीकि जी की ही स्टोरी समझ में आई उस वक्त, कि वाल्मीकि भगवान की वो कैसे पहले थे, जंगल में क्या क्या हुआ था। मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहती, मैं नहीं चाहती किसी को और प्रॉब्लम हो। मैंने सिर्फ वाल्मीकि भगवान जो है, जिन्होंने रामायण लिखी, जिन्होंने हमें बताया भगवान राम के बारे में, इतने महान कैसे बने, पहले उनकी लाइफ में क्या हुआ था, बाद में कैसे वो भगवान बने, मैंने बस एक उदाहरण दिया था मिका की स्टोरी को लेकर। तो इसमें मेरा गुनाह कहाँ है बताइए प्लीज। नहीं, आप नहीं समझे हैं। तो आप एक बार लुधियाना पुलिस से कांटेक्ट क्यों नहीं कर लेती हैं आप? अरे मैं कहाँ कांटेक्ट करने जाऊँ? मैं मेरे एरिया की पुलिस से कांटेक्ट करूँ या लुधियाना की पुलिस से कांटेक्ट करूँ? मैं क्यों करूँ? जब मेरा कोई गुनाह नहीं है क्यों कांटेक्ट करूँ? कांटेक्ट वो मुझे करे ना, और अगर उनको मुझे गिरफ्तार करना तो मैं अपने घर में हूँ ना, यहाँ मैं कोई भगौड़ी नहीं हूँ, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ, कोई बच्चा चुराने वाली नहीं हूँ, मैं कोई बॉम्ब ब्लास्ट करने वाली नहीं हूँ, मैं इस देश की नागरिक हूँ, और स्पीच ऑफ फ्रीडम मिलनी चाहिए ना हर किसी को। तो मैंने वो अधिकार से मैंने कहानी कही है, मुझे नहीं पता कि इसमें केस हो जाएगा, मेरा किसी की आस्था को हर्ट करने का कोई भी मेरी ये नहीं था, मैं किसी की आस्था को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। एक साल पहले मैंने अपोलॉजी का वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि वाल्मीकि समाज के लोगों को अगर कहीं से भी ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ा सा भी गलत बोला तो मैं माफी मांगती हूं, लेकिन उन्होंने ये क्या था, लेकिन उन्होंने मुझे धमकी दी, उन्होंने मुझे अब्यूज कहा, उन्होंने मुझे बहुत गंदे गंदे अपशब्द कहे। मैं पुलिस, पंजाब पुलिस, मुंबई पुलिस को कहना चाहती हूँ कि 17 जुलाई 7 जुलाई वो डेट मैं निकाल के 6 जुलाई गए साल और 14 जुलाई के बीच में जितनी भी कॉन्वर्सेशन मेरी उनके साथ हुई है वो रिकॉर्ड हुई होगी। आप देखिए, मैं पुलिस को कहते हैं वो रिकॉर्ड निकाले मेरी आवाज़ मेरे ही फ़ोन से, मैं नंबर देती हूँ। उन्होंने कितना मुझे अब्यूज़ किया, उन्होंने कितनी धमकी दी, लुधियाना मुझे बुलाएंगे किसी भी हालत में, और गंदा वर्ड गैंग, वो गैंग वाला वो करेंगे मेरे साथ। मैं आज मीडिया को बताना चाहती हूँ, मैंने कभी नहीं कहा,
मैं चाहती तो मैं उनपे केस कर सकती थी। वो एक दल है, कुछ लोग दल है जो सेलिब्रिटी का, अकेली लड़की का फायदा उठाना चाहते हैं, पब्लिसिटी स्टंट करना चाहते हैं, वो लोग अखबारों में छपना चाहते हैं, मेरे खिलाफ गलत केस करना चाहते हैं, मुझे वहां बुलाना चाहते हैं। मुझे धमकी दी गई थी। मैम अभी आप जैसे बहुत सारे लोगों का सेंटिमेंट्स बहुत चल, मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उनका सेंटिमेंट्स बहुत जल्दी हर्ट होते हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है, चाहे वो सेंस ऑफ होड हो या फिर सेक्ट हो या ग्रुप हो जनरली? देखिए अभी तो फिलहाल मैं हर्ट हूँ, मैं किसी के बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहती। मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ, मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है और मैं, मुझे हिंदुस्तान के कानून पर विश्वास है। हाँ मेरी बेल अभी तक नहीं हुई है, ईश्वर ने चाहा अगर मैं कहीं से भी बेकसूर हूँ, इनोसेंट हूँ तो मेरी बेल हो जाएगी। मुझे हिंदुस्तान के जजों पे विश्वास है कि अपना कीमती समय, कोर्ट का कीमती समय ऐसी फालतू बातों पर वेस्ट नहीं करेंगे कि आजकल का फैशन हो गया है कि सेलिब्रिटी को कोर्ट में घसीटा जा रहा है, फैशन हो गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। राठी जी इस तरह के अगर केसेस जब भी आपके ऊपर होते हैं तो आपके जो काम है उस पर भी स्ट्रेस पड़ता है कि आप इसको अलग रखती हैं और काम को अलग रखती हैं? मेरे काम पे बहुत इफेक्ट हो रहा है, मेरे अभी फिल्में, मेरा टीवी टेलीविज़न पे मेरा और फिल्में, अभी मुझे अब्रॉड भी जाना है, बहुत ही इफेक्ट हो रहा है। मुझे सब लोग, सबको लगता था मैं जेल के अंदर हूँ, मैं जेल में नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं जेल में नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मोदी जी को मैं गुहार करना चाहती हूँ, मोदी जी आपके होते हुए मेरे साथ क्या हो रहा है? और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है ना, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज क्यों सताया जा रहा है मुझे बार बार? राखी अरेस्टेड, राखी अरेस्टेड, आई एम नॉट अरेस्टेड, मैंने खुद सरेंडर किया है पुलिस स्टेशन में जाके। आपका अगला स्टेप क्या होगा? देखिए मैंने लुधियाना में भी, मेरे वकील है, मेरे वकील यहाँ पे भी है, अगर मुझे पंजाब की पुलिस पहले बता देती कि मेरे पे कोई केस है तो मैं पहले से ही अपने बेल करती, मैंने वकील रखे हैं। अब देखो ईश्वर करे मुझे बेल मिल जाए। आई डोंट, आप पूरा कोऑपरेट करेंगी उनके साथ? मुझे लुधियाना पुलिस और लुधियाना सरकार और वहाँ पे लुधियाना के जो जज है, कोर्ट के जज हैं, मुझे सिक्योरिटी देते हैं, हाई सिक्योरिटी, तो मैं लुधियाना कोर्ट में ज़रूर पेश होऊंगी। आई नीड अ सिक्योरिटी, क्योंकि आई डोंट ट्रस्ट उन पर जिन्होंने मुझ पर केस किया है। वो मैं तो इनोसेंट हूँ, वो लोग ज़्यादा क्रिमिनल है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जिन्होंने मुझ पर केस किया है वो मुझे वहाँ बुलाना चाहते हैं। आखिर उनकी जीत हुई कि उन्होंने मुझ पर केस किया, मुझे वहाँ बुलाना चाहते हैं। अगर मुझे जी, आपने कश्मीर में भी शूटिंग की, एक सवाल पूछना था, कश्मीर में शूटिंग की आपने? जी बिल्कुल, मैं अभी कश्मीर में शूटिंग करके आई, मेरी फिल्म बिफोर क्रिसमस के लिए। कैसा है वहाँ पे हालात अभी, ठीक है वहाँ पे? मैंने जम्मू कश्मीर, सनासर और श्रीनगर बहुत अच्छी वहाँ पे शूटिंगें करी है। हालात तो मैंने बॉर्डर पे ऊपर जाके शूटिंग करी है, मैं महबूबा मुफ्ती जी से भी मिली। अच्छा। सीएम जो है वहाँ की, महबूबा मुफ्ती जी से मिली और उन्होंने बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी मुझे वहाँ पे दी और वो बहुत अच्छी लेडी हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि आप पूरे बॉलीवुड को यहाँ पर लेकर शूटिंग करने आओ, हम आपको यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी देंगे। महबूबा मुफ्ती जी बहुत अच्छी लेडी है, प्लीज़ मैं बॉलीवुड को ये कहना चाहती हूँ हाथ जोड़ के कि आप लोग स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका क्यों जाते हैं शूटिंग करने के लिए स्नो में? आप कश्मीर जाइए, सनासर जाइए, वहाँ पे इतनी स्नो, इतना अच्छा लोकेशन है, हमारे हिंदुस्तान में ही स्विट्ज़रलैंड है, तो आप क्यों वहाँ पे जाते हैं शूटिंग करने के लिए? कम से कम बजट में यहाँ पे भी शूटिंग हो जाएगी, महबूबा मुफ्ती जी ने कहा है। आज एक खबर आई थी, वो इंडस्ट्री में कास्टिंग वगैरह का कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे विकास बहन। भैया तू तो माफी कर दे, कास्टिंग